हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कन्वेक्स फंक्शन की थ्योरम नंबर 16 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरम नंबर 15 की थी, कैरेक्टराइजेशन ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो 16 मार्क्स में आएगी। अगर आपने ये थ्योरम नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। जो हमारी थ्योरम नंबर 16 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2021 में 8 मार्क्स में आई थी। आप हमेशा याद रखना, एमएससी में क्या होता है, जो थ्योरम कभी नहीं आती पेपर में हमेशा वही आते। जैसे ये देखो, यहाँ पे कभी नहीं आई थी ये थ्योरम, फिर भी ये 2021 में आई है। बट ग्रेजुएशन में क्या होता था कि हमारे जो थ्योरम्स या क्वेश्चंस थे वो रिपीट होते रहते थे। बट एमएससी में क्या होता है कि जो थ्योरम नहीं आई है एग्जाम में वही डालते हैं, हमेशा न्यू थ्योरम डालते हैं। तो आप जब भी एग्जाम की तैयारी करो तो ओनली पीयू वाली थ्योरम्स नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम में पीयू वाली थ्योरम्स नहीं आती हैं। बट अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो तो आप ओनली पीयू वाली थ्योरम्स कर सकते हो। नाउ अब हम थ्योरम नंबर 16 को स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये कभी नहीं आई थी थ्योरम, फिर भी ये 2021 में 8 मार्क्स में आई थी। नाउ लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट है इन आर एन। ये सभी लाइन्स क्या है, सेम है। पहले क्या था, एफ हमारा कन्वेक्स फंक्शन था, अब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं F1 F2, जो क्या है, डिफ्रेंशियबल कन्वेक्स फंक्शन है। उसके बाद लेट किया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, मैक्सिमम है F(x1) और F(f2) का। लेट कर लिया फिर से, एक्स बार किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। बी सच दैट F(x) किसके इक्वल, F(f1) F2 के। प्रूफ क्या करना है हमने कि जाई सब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स बार इफ एंड ओनली जाई किसके इक्वल है, लैम्डा डेल F(1) प्लस 1 माइनस लैम्डा डेल F(2) के। तो मेन हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे कि जाई क्या है, हमारा सब ग्रेडियंट है ऑफ एफ, कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पॉइंट पे। सिंस प्रूफ क्या करनी है हमने, ये इक्वेशन प्रूफ करनी है। सिंस F1 F2 क्या है, हमारे डिफरेंशियबल कन्वेक्स फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर सब ग्रेडियंट ऑफ F1 एट एक्स बार किसके इक्वल हो जाएगा, जाई वन डेल F1 के। ऐसी F2 क्या है, सब ग्रेडियंट है कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पॉइंट पे, तो जाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल F2 पे। अब आप सोच रहे होगे कि ये कहां से आया है, ये हमने यहाँ पे थ्योरम को यूज किया है। कौन सी थ्योरम है ये, हमारी थ्योरम नंबर 14। क्या प्रूव किया था, डिफरेंशियबल कन्वेक्स फंक्शन हैज ओनली वन सब ग्रेडियंट, जिसमें प्रूव किया था जाई इज इक्वल टू डेल F(x)। तो यहाँ पे हमने थ्योरम नंबर 14 का रिजल्ट यूज किया है। नाउ F(x) हमारा क्या है, मैक्सिमम है F1 F2 का, एंड X बार क्या है, पॉइंट है, सच दैट F(x) किसके इक्वल है, F1 X बार प्लस इक्वल टू F2 X बार के। नाउ F क्या है, हमारा कन्वेक्स है, तो इसका मतलब क्या आ गया, F1 X बार x less than equal to F(x), F2 X less than equal to F(x) by using theorem number 2 का first part जो page number 17 पे है। ये देखो क्या है हमारे पास, अगर function हमारा convex है तो F(x) क्या है, maximum of F1 F2 Fk is a convex function। तो वहां पे हमने क्या लिया, एक journal ले लिया कि F1x क्या है, less than equal to F(x), क्योंकि F(x) क्या है, हमारा सबसे बड़ा function है। ऐसी अगर मिनिमम होता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इसका जो रिजल्ट है वहां पे हमने यूज किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, F1 F2 हमें पता है कि कन्वेक्स है, देयरफॉर क्या आ गया, F1x ग्रेटर देन इक्वल टू F1 X बार। ये कहां से आया हमारा, जो थ्योरम नंबर 15 हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव की थी उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लिया है। मैंने पहले भी बताया था, जो इसका दोनों का रिजल्ट है वो आपने एज इट इज लर्न करना है। अब हमारे पास फंक्शन कन्वेक्स है तो हमने ये इक्वेशन ले ली। यहां पे क्या लिखोगे, बाय यूजिंग कैरेक्टराइजेशन
ऑफ कन्वेक्स फंक्शन, तो आपने यहाँ पे रीजन लिख देना है। बट यहाँ पे ये थ्योरम अगर 16 मार्क्स में आते हैं तो एज ए लैम आपको प्रैक्टिसेशन जो थ्योरम है वो प्रूव करनी पड़ेगी। बट ये थ्योरम 8 मार्क्स में आती है तो आपको लेम्मा प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, बट एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ वन एक्स है जो हमने ये लिया था, और एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ टू एक्स, इसको आगे लिखे इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारी इक्वेशन, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ये सारी इक्वेशन, इसको दे दी इक्वेशन वन एंड टू, क्योंकि हमने इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स लेकर आना था इसीलिए हमने ये किया है। फर्स्ट इक्वेशन को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड को वन माइनस लैम्डा के साथ, क्योंकि प्रूव में हमें क्या लेकर आना है, एक तो लैम्डा वन माइनस लैम्डा लेकर आना है, जो एफ वन वाली टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे, और जो एफ टू वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर दिया वन माइनस लैम्डा के साथ। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमने प्रूव में ये इक्वेशन लेकर आनी है। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल हमने सिंप्लीफाई किया है, लैम्डा एफ ऑफ एक्स के साथ माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एफ ऑफ एक्स, इसको ओपन करेंगे इक्वेशन को तो यहां पे बन गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा एफ वन एक्स बार, यहां पे क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एफ टू एक्स बार। ये देखो यहां पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स बार कैसे आया, एफ ऑफ एक्स बार किसके इक्वल है, एफ वन एक्स बार एफ टू एक्स बार, तो यहां पे पुट कर देंगे तो लैम्डा एफ ऑफ एक्स बार आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहां पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स बार माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स बार, तो इसके साथ ये कैंसिल तो क्या बच गया एफ ऑफ एक्स बार, यहां पे इन दोनों की वैल्यू एफ ऑफ एक्स बार पुट कर दी। इस यहाँ पे ये स्टेप कैसे आया, एक्स माइनस एक्स बार को कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या रह गया, लैम्डा डेल एफ वन एक्स बार, क्योंकि ट्रांसपोज को भी हमने कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस वन माइनस लैम्डा डेल एफ टू एक्स बार, और इसका जो ट्रांसपोज है उसको कॉमन निकाल दिया। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया, अगर स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ इस इक्वेशन दे दिया इक्वेशन नंबर थ्री, नाउ लेट कर लिया कि जाई क्या है, हमारा सब ग्रेडियंट है ऑफ एफ एट एक्स पर, तो जाई किसकी इक्वल आ गया, लैम्डा एफ ऑफ एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स बार के। यहाँ पे क्या किया हमने, जो इक्वेशन थ्री आई थी उसको यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि जो जाई होता है वो क्या होता है, जो अंदर ट्रांसपोज के है वो सारी वैल्यू किसकी होती है, जाई की वैल्यू होती है, क्योंकि अगर इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, एफ ऑफ एक्स क्या होती है हमारी इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस जाई की पावर टी एक्स माइनस एक्स बार होती है, तो कंपेयर करेंगे तो जाई की ये सारी वैल्यू आ जाएगी जो हमने प्रूव करनी थी। यहां पे इन्होंने गलत दे रखा है, यहां पे आएगा लैम्डा डेल एफ वन एक्स बार प्लस वन माइनस लैम्डा डेल एफ टू एक्स बार, क्योंकि यही वैल्यू आ रही है ना हमारी, तो जाई की वैल्यू ये आ गई जो हमने प्रूव करनी थी। ये देखो वेयर लैम्डा किसको बिलोंग कर रहा है, 0,1 को, तो आपने ये स्टेप को ठीक कर लेना है। नाउ कन्वर्स में हम जाई की वैल्यू लेकर चलेंगे, डेल एफ वन एक्स बार प्लस वन माइनस लैम्डा डेल एफ टू एक्स बार। प्रूफ क्या करना है कि जाई क्या है, सब ग्रेडियंट है ऑफ एफ एट एक्स बार पॉइंट पे। सिंस एफ हमारा क्या है, कन्वेक्स है एट एक्स बार, देयरफॉर यूजिंग इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन थ्री को यूज कर लिया वही गेट, फिर से वही आ गई इक्वेशन थ्री हमारी क्या आई है, मैंने पहले भी बताया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस इसको हमने क्या लिया है, जाई लिया है, तो जाई की पावर टी एक्स माइनस एक्स बार, तो ये इक्वेशन ले ली हमने फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, सब ग्रेडियंट की,
तो हैंस जाई इज सब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स वाई, यही हमने प्रूव करना था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सब ग्रेडियंट। ये देखो सब ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बार प्लस जाई की पावर टी एक्स माइनस एक्स बार। बट फंक्शन क्या होना चाहिए, कन्वेक्स। अगर कनकेव होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या आ जाता, लेस देन इक्वल टू। सो यहां पे आप ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रेडियंट ऑफ कन्वेक्स फंक्शन। सो इसी के साथ हमारी जो थ्योरम है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ इसका जो जर्नलाइजेशन है वो भी हम रीड कर लेते हैं, वैसे तो ये पेपर में नहीं आता फिर भी हम रीड कर लेते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट है इन आर एन, और एफ वन एफ टू एफ क्या है, हमारे डिफ्रेंशिएबल कन्वेक्स फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स फिर से क्या ले लिया, मैक्सिमम ले लिया एफ वन एफ टू एफ के, एंड लेट कर लिया एक्स बार किसको बिलोंग कर रहा है, एस को। बी सच दैट एफ ऑफ एक्स बार किसके इक्वल आ जाएगा, सेम इक्वेशन है जैसे हमारी थ्योरम की थी, बट यहाँ पे हम जर्नलाइजेशन ले रहे हैं जो कहां तक वेरी कर रहा है, वन से लेकर के तक। देन हमने क्या प्रूव करेंगे, जाई सब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट एक्स बार, तो जाई की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, लैम्डा वन डेल वन एफ ऑफ एक्स बार प्लस अप टू सो ऑन लैम्डा के डेल एफ के एक्स बार, वेयर लैम्डा आई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई सच दैट, जो इसका समेशन है वो हमें पता है कि किसके इक्वल होता है, वन के। इसका रिमार्क भी इम्पॉर्टेंट है, रिमार्क क्या है, सिमिलरली रिजल्ट इज एप्लीकेबल फॉर कन्वेक्स फंक्शन। इसका जो रिजल्ट है वो भी एप्लीकेबल है कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए। कनकेव में क्या होता है हमेशा मिनिमम, और कन्वेक्स में क्या होता है मैक्सिमम, जो थ्योरम नंबर टू में दिखाया था मैंने आपको। अब इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, एस इज नॉन एम्प्टी ओपन कन्वेक्स सेट है इन आर एन, एफ वन एफ टू क्या है डिफ्रेंशियबल है कनकेव फंक्शन, डिफ्रेंशियबल कनकेव फंक्शन है। पहले क्या था, डिफ्रेंशियबल कन्वेक्स था, अब हमने हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है मिनिमम है एफ वन एफ टू का, लेट कर लिए एक्स बार बिलोंग कर रहा है एस को, बी सच दैट एफ ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू एफ वन एक्स बार एफ टू एक्स बार। देन प्रूफ क्या करेंगे कि जाई क्या है, हमारा सब ग्रेडियंट है किसका, एफ का, कौन से पॉइंट पे, एक्स बार पॉइंट पे। एक्स बार पॉइंट हमेशा किसको बिलोंग करता है, इंटीरियर ऑफ एस को, बट कनकेव में किसको बिलोंग करेगा, क्लोजर ऑफ एस को। इफ एंड ओनली इफ जाई इज इक्वल टू लैम्डा डेल एफ वन एक्स बार प्लस वन माइनस लैम्डा डेल एफ टू एक्स बार, इसका जो रिजल्ट है कन्वेक्स और कनकेव के लिए सेम है, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0.1। अगर आपको पेपर में ये थ्योरम आती है तो आपने सारी थ्योरम एज इट इज प्रूफ करनी है, कन्वेक्स की जगह क्या आ जाएगा कनकेव, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। बाकी सभी स्टेप्स हमारे क्या आएंगे, सेम आएंगे, अगर आपको स्टेटमेंट में क्या आए, कनकेव आए। जैसे यहाँ पे देखो 2021 में कन्वेक्स में आया है, ऐसे 2023 में आपको कनकेव में भी आ सकता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।